हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष डिस्कस करेंगे। नेता प्रतिपक्ष यानी जो विरोधी दल के जो नेता बनाए जाते हैं विधानसभा में, एक तो होता है विधानसभा अध्यक्ष और जिसकी सरकार होती है मुख्यमंत्री, लेकिन एक नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष का नेता भी उसे ही बोलते हैं या विरोधी दल का नेता भी उसे ही बोलते हैं, वो बनाया जाता है। वो इसलिए बनाया जाता है कि जिस दल की सरकार बनी हुई है उसकी सरकार के ऊपर नज़र रखने के लिए, उनके काम को देखने के लिए, उनका विरोध करने के लिए, अगर वो कुछ नहीं कर रहे हैं तो उनको, या कोई चीज़ पास कर रहे हैं तो वो सही है कि नहीं विरोध करने के लिए, तो विरोधी दल का नेता भी कहते हैं उसको, उसको विपक्ष का नेता भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ, MPPSC की जो यूनिट नंबर 5 है ना, वो मैंने सारी कंप्लीट करा दिया हूँ। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के जज, ये सब कंप्लीट हो गए हैं। तो आपको उनको जाके देखना है और सिलेबस के अकॉर्डिंग डिस्कस किया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष की सूची दी गई है, तो हमें पता होना कम से कम कि ये नाम के जो व्यक्ति हैं ये नेता प्रतिपक्ष पहले बन चुके हैं या नहीं बने हैं। क्वेश्चन कैसे भी बन जाते हैं, तो बात करते हैं, सीधे आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के पहले नेता प्रतिपक्ष कौन थे। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, मध्य प्रदेश के पहले नेता प्रतिपक्ष कौन थे, तो विश्वनाथ यादव राव तामस्कर। विश्वनाथ तामस्कर से याद रख सकते हैं आप, तो विश्वनाथ तामस्कर ये मध्य प्रदेश के पहले नेता प्रतिपक्ष बने थे 1956-57 में, है ना। तो 56 यानी जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, उसके बाद जब विधानसभा बनी थी, जो फिर सरकार बनी, जिसकी कांग्रेस सरकार बनी थी, सबसे पहले कांग्रेस की सरकार बनी थी और मुख्यमंत्री कौन बने थे, पंडित रविशंकर शुक्ल मुख्यमंत्री बने, वहीं पे नेता प्रतिपक्ष कौन बने थे, तो विश्वनाथ तामस्कर। विश्वनाथ तामस्कर को आप हरि विनायक तामस्कर जो राज्यपाल रहे हैं सेकंड नंबर के, उनसे कंपेयर मत करना। वो तामस्कर जी अलग थे, ये तामस्कर अलग हैं, है ना। कई बार क्वेश्चन आ जाता है पेपर में MPPSC में, इसलिए तो ये डायरेक्ट याद रखो, मध्य प्रदेश के पहले विपक्ष के नेता कौन थे, विश्वनाथ यादव राव तामस्कर। विश्वनाथ तामस्कर पहले थे। दूसरे नंबर के कौन बने थे, उनका नाम था चंद्र प्रताप तिवारी। चंद्र प्रताप तिवारी, मैं यहाँ ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, आप कमेंट ना करें कि ट्रिक कहाँ है रे करके, तो ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, पहले ही बोल रहा हूँ ट्रिक नहीं बता रहा हूँ। ट्रिक से कितना याद रख लोगे, ऐसा याद रखो तो सब याद होता है, पेपर में आता है तो बनता है। चंद्र प्रताप तिवारी दूसरे नंबर के कौन बने थे, चंद्र प्रताप तिवारी 57 से 62 तक। ये कार्यकाल तो आने वाला नहीं है, लेकिन ये चंद्र प्रताप तिवारी ये बने थे, याद रखना है, चंद्र प्रताप तिवारी दूसरे नंबर के। तीसरे नंबर के थे वीरेंद्र कुमार साखलेचा। तीसरे नंबर के थे वीरेंद्र कुमार साखलेचा, और वीरेंद्र कुमार साखलेचा जी तो थे, ये मुख्यमंत्री भी रहे हैं, है ना, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं वीरेंद्र कुमार साखलेचा। वीरेंद्र कुमार साखलेचा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, कितनी बार वो मैंने मुख्यमंत्री वाले टॉपिक में बताया हूं। तो वीरेंद्र कुमार साखलेचा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और तीसरे नंबर के नेता प्रतिपक्ष बने थे। फिर वीरेंद्र कुमार साखलेचा चौथे नंबर में फिर बनते हैं नेता प्रतिपक्ष, है ना। श्याम चरण शुक्ल ये भी मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, और श्याम चरण शुक्ल जी जो थे ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। श्याम चरण शुक्ल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और पांचवें नंबर के नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं। पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र तो पंडित जो है द्वारिका प्रसाद मिश्र जो है ये भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र पांचवें नंबर के मुख्यमंत्री थे और ये भी बने हैं, क्या बने हैं, ये नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं। वीरेंद्र कुमार साखलेचा देखो तीन बार बन गए नेता प्रतिपक्ष, तो इंपॉर्टेंट है, वीरेंद्र कुमार साखलेचा तीन बार नेता प्रतिपक्ष रहे हैं और मुख्यमंत्री भी रहे हैं। बसंत सदाशिव प्रधान ये नेता प्रतिपक्ष थे, ये मुख्यमंत्री भी नहीं रहे हैं और ये राज्यपाल भी नहीं रहे हैं, इसका मतलब ये तो बसंत सदाशिव प्रधान ये कौन थे, तो ये बने हैं नेता प्रतिपक्ष आठवें नंबर के। कैलाश जोशी नेता प्रतिपक्ष थे नब्बे नंबर के, पंचम विधानसभा जब चल रही थी 72 से 77 के बीच, और कैलाश जोशी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, है ना, कैलाश जोशी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो ये याद रखना है, कैलाश चंद्र जोशी नाम था इनका, मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे ये, है ना, गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे और ये नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं।
अर्जुन सिंह भी नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, और क्या थे ये नेता प्रतिपक्ष के अलावा मुख्यमंत्री भी रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं कैलाश, ये अर्जुन सिंह भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, 84 के टाइम की बात है ना, और नेता प्रतिपक्ष भी थे, देखो ये 70 से 80 तक के, उसके बाद मुख्यमंत्री बने थे ये, है ना। सुंदरलाल पटवा नेता प्रतिपक्ष थे 11वें नंबर के, और ये 7वें नंबर की विधानसभा चल रही थी जब बने थे सुंदरलाल पटवा, और सुंदरलाल पटवा जो है ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। कैलाश जोशी देखो फिर से बनते, तो कैलाश जोशी मुख्यमंत्री भी रहे हैं, फिर श्याम चरण शुक्ल बने, तो श्याम चरण शुक्ल मुख्यमंत्री भी रहे हैं। विक्रम वर्मा नाम याद रखना है, 93 से 98 तक के विधानसभा के 10वें नंबर की जब विधानसभा चल रही थी 10वीं, जब नेता प्रतिपक्ष थे और विक्रम वर्मा ना मुख्यमंत्री रहे हैं, ना राज्यपाल रहे हैं, ना विधानसभा अध्यक्ष, ना विधानसभा उपाध्यक्ष, तो इनका नाम याद रखना है विक्रम वर्मा, है ना, नेता प्रतिपक्ष थे। गौरी शंकर सेजवार ये जब 11वें नंबर की विधानसभा शुरू हुई थी उस टाइम पे बने थे नेता प्रतिपक्ष, तो ये मुख्यमंत्री भी नहीं रहे हैं, राज्यपाल भी नहीं रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा उपाध्यक्ष दोनों नहीं रहे हैं, ये नेता प्रतिपक्ष बने थे, इनका नाम याद रखना है। बाबूलाल गौर की बात करते हैं, बाबूलाल गौर जो है 11वें नंबर में 98 से 2000 यानी 11वीं विधानसभा चल रही थी जब, तो बाबूलाल गौर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, है ना, याद रखना है। शिवराज सिंह चौहान के पहले बाबूलाल गौर ही थे मुख्यमंत्री, है ना, तो ये विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। श्रीमती जमुना देवी की बात करेंगे, ये मध्य प्रदेश की पहली महिला नेता प्रतिपक्ष थी, मध्य प्रदेश की पहली महिला नेता प्रतिपक्ष बनी थी ये, और ये जब 12वीं विधानसभा चल रही थी जब बनी थी 2003 से 2008 तक रही है, मध्य प्रदेश की पहली नेता प्रतिपक्ष पूछा जाएगा महिला नेता प्रतिपक्ष तो जमुना देवी थी, और जमुना देवी जो थी ये एक और चीज रही है बता रहा हूं मैं, ये जमुना देवी मध्य प्रदेश की पहली उप मुख्यमंत्री भी रही है, उप की बात हो रही है याद रखना है, उप मुख्यमंत्री जमुना देवी जी रही हैं, और जमुना देवी जी ये दो बार रही हैं, है ना, ये दो बार, 12वां और 13वां जब विधानसभा चल रही थी जब रही हैं, तो नाम याद रखना है इनका, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करेंगे हम अजय सिंह की, तो अजय सिंह मुख्यमंत्री रहे हैं क्या, नहीं रहे हैं, ये नेता प्रतिपक्ष थे 13वें नंबर के 2008 से लेके 13 तक, है ना। उसके बाद सत्य देव कटारे, ये 14वीं विधानसभा चल रही थी 2013 से 18 तक जब ये नेता प्रतिपक्ष थे, सत्यदेव कटारे विरोधी दल के नेता बने थे, है ना, सत्यदेव कटारे, तो याद रखना इनका नाम। ये मुख्यमंत्री बने क्या, नहीं बने। अजय सिंह देखो फिर से बनते, तो अजय सिंह दो बार बन गए, याद रखो इनका नाम, 14वीं में, है ना। चौदहवीं विधानसभा कौन थे, अजय सिंह। 15वीं विधानसभा में जब कमलनाथ की सरकार बनी थी उस टाइम पे गोपाल भार्गव बने थे, गोपाल भार्गव 2018 से 2023 तक के, गोपाल भार्गव 18 से 23 तक के गोपाल भार्गव ही विपक्ष के नेता थे। उसके बाद फिर कमलनाथ जी की सरकार का वो हो गया यानी बैठ गई, बहुमत खोदी थी उस वजह से बैठ गया, तो फिर कमलनाथ बने हैं वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष, कब से, तो ये 2020 से निरंतर है। तो समझ में आया, वर्तमान में विपक्ष का नेता कौन है, तो कमलनाथ जी हैं। इनके पहले कौन था, तो गोपाल भार्गव था। गोपाल भार्गव का पहले कौन था, तो अजय सिंह था। तो कम से कम चार तो याद रखने की बनती है ना, वर्तमान में कमलनाथ, इनके पहले गोपाल भार्गव, इनके पहले अजय सिंह, उनके पहले सत्यदेव कटारे, चार नहीं पांच याद रखने की बनती है, उनके पहले फिर से अजय सिंह, तो बहुत आसान है याद रखना, पांच तो कम से कम लास्ट के याद रखना ही पड़ेगा, अपने को एग्जाम में नंबर लेना है ना। तो वर्तमान में कमलनाथ, उनके पहले गोपाल भार्गव, फिर ये, फिर सत्य कटारे, फिर अजय सिंह, है ना, तो ये समझ में आ गया। फिर से देखते हैं, तो पहले पूछेगा तो विश्वनाथ तामस्कर,
पहले, उनके बाद तिवारी रहे, फिर साखलेचा, फिर साखलेचा, फिर शुक्ल, है ना, फिर मिश्र, फिर साखलेचा, प्रधान, जोशी, ये सब रहे हैं। नाम याद रखना है, अर्जुन सिंह, सुंदरलाल पटवा, है ना, पटवा के बाद जोशी, फिर शुक्ल, फिर वर्मा। फिर गौरी शंकर, सेजवार, फिर गौर, जमुना देवी इंपॉर्टेंट है ना, इनके बारे में बता दिया मैंने काम का। अजय सिंह, सत्य कटारे, जय सिंह, गोपाल भार्गव, कमलनाथ। इस तरीके से हमारे लेक्चर कंप्लीट होता है। नेता प्रतिपक्ष से भी क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो अब आपको बनना चाहिए। तो यहाँ लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद। इसमें मैंने ट्रिक नहीं बताया हूँ, नो ट्रिक वाला है ये, याद रखिए, नो ट्रिक वाला है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।